वडोदरा जेपी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मजदूर की हत्या के घटना में आखिरकार अपराधी की गिरफ्तारी की गई। वडोदरा जेपी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फराजखाना के मजदूर की हत्या की घटना में अपराधी की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की गई है, जिसमें जेपी पुलिस स्टेशन के सामने आए हुए टॉक टाइम मोबाइल शॉप के बाहर दो मजदूर फराजखाना के दो मजदूर के साथ मामूली बात को लेकर विवाद घटित हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र चौहान तथा अन्य मजदूर गोपाल नीनामा के बीच चाकू से हमला करने के साथ गंभीर रूप से घायल किया गया था। गोपाल नीनामा को इलाज के चलते गोत्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गोत्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। जहां जेपी पुलिस थाने दर्ज की गई वैसी शिकायत और हत्या के गुना अंतर्गत आखिरकार पुलिस ने जारी की सघन तहकीकात में टॉक टाइम मोबाइल शॉप की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी वैसा धर्मेंद्र चौहान की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की गई है। गई काले पत्रकार चार रस्ता खाते आवेल टॉक टाइम मोबाइल नी शॉप छे, त्या मंडप बांधवानुं काम चालतुं हतुं। ए मंडप बांधी वखते तेमां काम करता मजूरो पैकीना जे मरनार छे गोपाल भाई तथा मारनार वनराज उर्फे धर्मेंद्र, ए बे जण वच्चे कोई कारणोसर बोलाचाली थयेल। ए बोलाचाली दरमियान गाळागाळी थई, ने ए गाळागाळी दरमियान मरण जनारे आरोपी ने गळामां पकड़ी लीधेल। ए दरमियान जे आरोपी छे एना हाथमां चप्पू हतुं, ए चप्पू धारदार चप्पू एना मरनारना छाती में डाबी बाजुए मारी देता, ए त्या चक्कर आवता बेभान थई गेल। एने सारवार माटे गोत्री हॉस्पिटल लई गेल, ते सारवार दरमियान एनुं मोत निपजेल। हाँ, एमां सीसीटीवी फूटेज मळेल छे। જે બનાવ છે એ અચાનક જ સામાન્ય બોલાચાલીમાં જે બનાવ બનેલ છે